आप आए हैं आपका टेकमेट चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से अनंत जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि लैपटॉप के कीबोर्ड को लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं, जो आपको सिखाएगा आपका टेकमेट। अभी मेरा कीबोर्ड लॉक नहीं है, ये दिखाने के लिए मैं पहले वर्ड खोल लेता हूँ। मेरा वर्ड खुल गया है। अब मैं इसका फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ। चलिए कुछ लिख लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो अभी कीबोर्ड है वो पूरी तरह से अनलॉक है। अभी जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो टाइप हो रहा है। अब इसे लॉक करने के लिए हम लोग को कोई भी कुछ भी करना नहीं है, बस एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट ये है कि जो शिफ्ट की होता है राइट वाला, बस इसे हमें दबा के रखना है थोड़ी देर तक। इसके बाद एक साउंड आएगी, साउंड नॉर्मल है। इसके बाद एक पॉपअप खुल के आएगा इस तरह का, जिसे हमें यस कर देना है। यस करते ही हमारा जो कीबोर्ड है वो लॉक हो जाएगा और जो आप टाइप करेंगे वो टाइप नहीं होगा। हो सकता है आपके में कोई सी ट्यूनिंग या नोटिफिकेशन टाइप कोई सी म्यूजिक बजे की प्रेस करने पे। मेरे में तो अभी तो कोई सी ट्यूनिंग नहीं बज रही है। देख सकते हैं पूरी तरह से लॉक हो गया है। अब इसे अनलॉक करने के लिए भी हमें सेम ही टास्क करना है। शिफ्ट की को 8 सेकंड तक दबा के रखना है। इसमें बीप बीप की साउंड आएगी और लास्ट में एक नोटिफिकेशन साउंड आएगा और उसके बाद आपका कीबोर्ड अनलॉक हो जाएगा। अब मेरा कीबोर्ड जो है अनलॉक हो चुका है। अब मैं अच्छे से टाइप कर सकता हूँ कोई भी चीज़। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।